आजकल गेम का साइज बढ़ता जा रहा है और उनके ग्राफिक्स वही 2005 वाले। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना देश के युवाओं को इसका सॉल्यूशन दिया जाए, क्योंकि सबके एग्जाम या तो खत्म हो चुके हैं, लगभग खत्म होने वाले हैं। तो आज वाली वीडियो में हम ऐसे 10 गेम देखेंगे जिनका साइज भी ठीक ठाक होगा और ग्राफिक्स तो होंगे ही नेक्स्ट लेवल। तो बस वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को लाइक कर देना और अपने भाई को इंस्टा पर भी फॉलो कर लो यार, वहां भी जल्दी जल्दी 500 फॉलोवर तो कराओ कंप्लीट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम बहुत ज्यादा करीब है 100 के, तो जल्दी जाओ यार कंप्लीट करा दो, फिर पार्टी करने चलेंगे। ठीक है, चलते अपने 10th गेम पर जो है द डिवीजन रिसर्जेंस। ये एक MMO ओपन वर्ल्ड गेम है जो कि सेट है न्यूयॉर्क सिटी में, और इस गेम के बारे में शायद मैंने पहले भी बताया कुछ वीडियोस में, लेकिन अब इसके दोबारे से बीटा स्टेजेस वाले गेम प्ले आ रहे हैं। बाकी बात करें इसके ग्राफिक्स वगैरह की तो वो तो सेम PC वाली फील देने वाले हैं, और साथ ही गेम प्ले भी मस्त है। जैसे स्टोरी मोड में आपको सेम वही वायरस वाला कंसेप्ट मिल जाएगा, मतलब सिटी में वायरस आउटब्रेक हो गया है तो आपको सिंपली मिशन पर भेजा जाएगा एनिमीज वगैरह को मारने के लिए। उसी के साथ गेम में आपको कैरेक्टर कस्टमाइजेशन का भी फीचर मिलता है, साथ ही गेम में बहुत सारे मोड्स भी हैं, तो बढ़िया गेम है। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस गेम के लिए। बाकी कमेंट में बताना आपने इसकी बीटा स्टेजेस ट्राई की थी या नहीं, मैं नहीं कर पाया था ट्राई, अगर आपने किया तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलते अपने 9th गेम पर जो है ग्रिड ऑटो स्पोर्ट। गेम का साइज 3.2 GB और ये कंसोल क्वालिटी रेसिंग गेम है, और मेरे हिसाब से जितने भी रेसिंग गेम है ना भाई, ये दिन पर दिन अपने ग्राफिक्स इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब सेम PC वाला एक्सपीरियंस मोबाइल पर आ रहा है। कि आप देख ही रहे हो गेम के ग्राफिक्स कितने ज्यादा डिटेल है, और उसी के साथ गेम में आपको 100+ कार मिल जाती है, एंड गेम में आप कंट्रोल वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो, साथ ही गेम में आप बहुत सारे टूर्नामेंट प्ले कर सकते हो और बहुत सारी रेस भी है, जैसे ड्रैग रेस, ओपन व्हील, बहुत सारी हैं। लेकिन एक बार चेक कर लेना क्योंकि ये गेम कुछ लिमिटेड डिवाइस में ही चलता है। बाकी स्क्रीनशॉट से देख लेना आपका फोन का नाम है या नहीं, या फिर चल जाता है अगर आपकी डिवाइस बहुत ज्यादा अच्छी है ना, तो उसमें ऑप्शन आता है कंटिन्यू एनीवे का, तो आप उसे करके भी इस गेम को खेल सकते हो। तो बेस्ट गेम है, एक बार जरूर ट्राई करके देखना। ठीक है, चलते अपने 8th गेम पर जो है रेस मैक्स प्रो। गेम का साइज है 376 MB और ये अभी अर्ली एसिस में है, बट आप इसे डाउनलोड करके खेल सकते हो, और जैसा नाम से ही पता चल रहा है भाई गेम में फुल रेस वगैरह होने वाली है। साथ ही गेम में स्ट्रीट रेसिंग कर सकते हो, ड्रिफ्ट रेस और ड्रैग रेस वगैरह भी कर सकते हो, और उसी के साथ आप गेम में अपनी फेवरेट कार वगैरह ड्राइव कर सकते हो, उनसे रेस वगैरह कर सकते हो, क्योंकि गेम में आपको ओडी, निसान, फरारी जैसी बहुत सारी सुपर कार मिल जाती है। और जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है इस गेम का वो है कि इस गेम में आप अपना लाइन वगैरह बना के अपने दोस्तों के साथ भी रेस वगैरह कर सकते हो, मतलब बढ़िया कंसेप्ट है गेम का, एक बार जरूर ट्राई करना। इस गेम के ग्राफिक्स वगैरह एक इसी के गेम से बहुत ज्यादा मिलते हैं, मतलब पूरा गेम का कंसेप्ट उसी पर है। तो मेरे को कमेंट करके बताना, जो बताएगा मैं उसकी कमेंट पिन करूंगा, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। ठीक है, चलते अपने 7th गेम पर जो है शेडो फाइट 4। गेम का साइज 200 MB के आसपास है, और जो गेम में क्वालिटी ऐड की गई है ना वो 10 GB के गेम में भी ना मिले आपको। बाकी लगभग सभी को शेडो फाइट के कंसेप्ट के बारे में पता है, वही आपको दूसरे प्लेयर के साथ फाइट करनी है, और इस गेम में आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में भी खेल सकते हो, मतलब ऑनलाइन में आपकी फाइट रियल प्लेयर से होगी और ऑफलाइन में बोट से, तो नेट वगैरह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी गेम में आपको बहुत सारे हीरो, निंजास मिल जाते हैं फाइट करने के लिए, जिन्हें आप अपग्रेड भी कर सकते हो और बेस्ट फाइटर बन सकते हो। साथ ही गेम में बहुत सारे कट सीन और एक्शन को स्लोमो में दिखाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो बेस्ट गेम है, साइज भी ज्यादा नहीं है और ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल है, तो एक बार जरूर ट्राई करके देखना। ठीक है, चलते हैं अपने 6th गेम पर जो है ट्रकर ऑफ यूरोप 3। और अगर मैं ये कहूँ कि ये बेस्ट ट्रक गेम में से एक है तो गलत नहीं होगा, मतलब भाई ये गेम मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। बात करूं गेम के वर्ल्ड की, ग्राफिक्स की और इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, तो भाई गेम का वर्ल्ड तो काफी बड़ा है, साथ ही ग्राफिक्स तो नेक्स्ट लेवल है, और गेम की फिजिक्स वो तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। उसी के साथ गेम में आपको बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं जिससे आपको पैसे अर्न करने होते हैं और अपनी ट्रक्स की कंपनी खोलनी है। और जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है इस गेम का वो है कि इस गेम में आपको अपनी हेल्थ और स्लिप का भी ध्यान रखना होता है, मतलब देख रहे हो छोटी छोटी रेल पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है गेम में। तो ओवरऑल देखा जाए तो बेस्ट गेम है, एक बार जरूर ट्राई करके देखना, मतलब मजा आ जाएगा, और अलग अलग कैमरा एंगल्स हैं, मतलब एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही ज्यादा अच्छा गेम है। चलते अपने 5th गेम पर जो है कार सिमुलेटर सैन एंड्रियास। गेम का साइज है 159 MB और गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन होने वाला है, और गेम के नाम में ही सैन एंड्रियास नहीं है बल्कि गेम पूरी तरीके से GTA सैन एंड्रियास में ही सेट है, मतलब वही सेम एक्सपीरियंस मिलने वाला है GTA वाला। साथ ही इस गेम में आप सिटी वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो, और एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं, मतलब अलग अलग टाइप की कार्स हैं विद रियलिस्टिक साउंड, जो कि इस गेम को बिल्कुल सिमिलर बना देती हैं GTA के। साथ ही गेम के ग्राफिक्स वगैरह बहुत ही
ज़्यादा रियलिस्टिक है और गेम की फिजिक्स तो मतलब ऐसा लगेगा कि रियल में कार चला रहे हो। तो बेस्ट गेम है, साइज भी ज़्यादा नहीं है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। और जो मेरे को मतलब पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरे को जो इस गेम में प्रॉब्लम लगती है वो ये है, इस गेम में इनको थोड़े बहुत NPC ऐड करने चाहिए, मतलब ऐसा लगे कि सिटी भरी हुई है, अब खाली खाली से आप एक जगह चलाते रहते हो। बाकी गेम के ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल है, कार वगैरह बहुत अच्छी है, पर इस चीज़ पर अगर कोई देख रहा हो तो भाई ध्यान देना, अगर आप ऐड कर सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम है ये, ठीक है। चलते अपने फोर्थ गेम पर जो है न्यू RP। ये एक रोल प्लेइंग एक्शन एडवेंचर गेम है जिसमें आपको एक बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। बाकी अगर आपने GTRP खेला है ना अपने PC वगैरह पर, तो आप इस गेम का कंसेप्ट इजीली समझ सकते हो, नहीं खेला तो कोई टेंशन नहीं। ये भी एक रोल प्लेइंग गेम है जिसमें आप पुलिस, थीफ, गैंगस्टर वगैरह का रोल प्ले कर सकते हो, अपनी जर्नी अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आपका मन है आपको इस गेम को कैसे खेलना है। आप एज अ पुलिस ऑफिसर भी खेल सकते हो, गैंगस्टर भी बन के रह सकते हो गेम में, मतलब अपनी फुल गैंग वैंग बनाओ और भाई तहस-नहस करो शहर को। बाकी ये गेम अभी कमिंग सून है, लेकिन आप इसका ट्रेलर YouTube पर चेक कर सकते हो। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहां पर जाकर आप इसको प्री-रजिस्टर भी कर सकते हो, तो अभी प्री-रजिस्टर कर लो, बाकी जब आएगा देखते हैं। मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है गेम, बाकी जैसे आएगा मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 100K के बहुत ज्यादा करीब है भाई, कर लो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, ठीक है। चलते अपने थर्ड गेम पर जो है वन स्टेट RP लाइफ सिमुलेटर। गेम का साइज 200 MB के आसपास है और ये एक ओपन वर्ल्ड सिमुलेशन गेम है, या फिर ये बोल लो कि ये GTA है मोबाइल के लिए। इस गेम के ग्राफिक्स से लेकर गेम प्ले, कैरेक्टर या बात करें इस गेम के डिटेलिंग की, तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मतलब मजा आ जाएगा भाई गेम को खेलने में। साथ ही गेम का मैप बहुत ही ज्यादा बड़ा है जिसमें एक साथ 500 से भी ज्यादा बंदे खेल सकते हैं। गेम में आप अपनी स्टोरी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, मतलब आपका मन है आपको कैसे खेलना है, चोर बनना है, पुलिस बनना है, या फिर बिजनेसमैन बन के खेलना है। ओवरऑल देखा जाए तो ये बेस्ट गेम है, और अगर ये गेम आपको प्ले स्टोर पर ना मिले तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना और मेरे को DM कर देना कि भाई लिंक सेंड कर दो एक बार उस गेम का, तो मैं आपको इंस्टा पर ही इसका लिंक सेंड कर दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाओ जल्दी फॉलो कर लो अपने भाई को, ठीक है। चलते अपने सेकंड गेम पर जो है किंगडम द ब्लड। गेम का साइज 1.5 से 2 GB के आसपास है, बाकी जब आप इस गेम को खेलोगे तो आपको इसका 4 GB का एक पैक डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब ओवरऑल 6 GB के आसपास इस गेम का साइज है। बाकी बात करें गेम के ग्राफिक्स वगैरह की, तो वो तो नेक्स्ट लेवल है, मतलब बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। और ये एक ज़ॉम्बी फाइटिंग गेम है जो कि इंस्पायर्ड है एक कोरियन सीरीज से, काफी पॉपुलर है नेटफ्लिक्स पर। मेनली इस गेम में आपको ज़ॉम्बी से फाइट करनी है, उन्हें मारना है। साथ ही गेम आपको बहुत सारे मोड ऑफर करता है, जैसे इस गेम में आप प्लेयर मोड ट्राई कर सकते हो, ट्रेनिंग भी वगैरह भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बेस्ट गेम है, बस थोड़ा सा साइज का देख लेना, वैसे गेम बेस्ट है, ठीक है। चलते अपने फर्स्ट और इस वीडियो के लास्ट गेम पर जो है गेंशिन इंपैक्ट। गेम का साइज 319 MB जो कि प्ले स्टोर पर दिखाता है, बाकी जब आप इसे खेलोगे और इसके पैक वगैरह डाउनलोड करोगे तो ये गेम 6 से 7 GB का हो जाएगा। बाकी बात करें गेम के ग्राफिक्स और इसके गेम प्ले की, तो ग्राफिक्स तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, मतलब छोटी छोटी डिटेल पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। और बात करें इसके गेम प्ले की, तो गेम की स्टोरी कुछ इस टाइप की है, आप और आपके भाई की किसी इविल गॉड ने सारी पावर छीन ली है और तुम लोगों को किसी अलग सी दुनिया में रिपोर्ट कर दिया है। अब आपको वहां का रहन सहन सीखना है और उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है। ओवरऑल देखा जाए तो बेस्ट गेम है, एक बार जरूर ट्राई करना। और अगर तुम्हें और भी बेस्ट ऑफलाइन गेम खेलने हैं जो कि बिल्कुल नए और मजेदार है, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो चला लेना। बाकी जोन सा भी गेम तुम खेलने वाले हो या तुम्हें पसंद आया, उसका नाम कमेंट कर देना और मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।